नमस्कार, आरपी व्यास क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा दसवीं में गणित विषय के अंतर्गत अध्याय तीन है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। इसके दो प्रश्न मुझसे पूछे गए हैं और मैं जोधपुर से भैया महेश जी जयपाल के आग्रह पर इनको YouTube के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ हल करने के पश्चात। दोनों प्रश्न बड़े अच्छे हैं। पहला तो है प्रश्न संख्या 27 विविध प्रश्नावली 3 का और दूसरा है प्रश्नावली 3.6 क्वेश्चन नंबर 5। ये दोनों प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको हल करके बता रहा हूँ, इसको आप समझें। पहला प्रश्न क्वेश्चन 27 विविध 3, दो द्विघातीय व्यंजकों के लघुतम समापवर्ती एवं महत्तम समापवर्तक क्रमशः x³ - 7x + 6 एवं x - 1 हैं, व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि पुस्तक में जो लिखा है ये लघुतम समापवर्तक लिखा हुआ है, वो समापवर्तक नहीं है, वो लघुतम समापवर्ती होना चाहिए। क्योंकि लघुतम समापवर्ती को इंग्लिश में कहते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुतम सम अपवर्तीय। तो ये पुस्तक में गलती है, इसको समापवर्तक नहीं समापवर्त्य समझें लघुतम के साथ में। हाँ, महत्तम समापवर्तक होता है जो सही लिखा हुआ है। महत्तम समापवर्तक को हम HCF कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लघुतम समापवर्तीय को हम कहते हैं LCM, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो आपको ये कहा है कि दो द्विघातीय व्यंजकों के यानी कि दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हैं उनके LCM जो हैं और HCF जो है वो क्रमशः x³ - 7x + 6 और x - 1 हैं। आपको उन दोनों द्विघाती व्यंजकों को ज्ञात करना है, यानी कि उन दो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, माना वे द्विघात व्यंजक क्रमशः px व qx हैं। मान लिया हमने कि px और qx है। हम एक बात जानते हैं कि दो व्यंजकों का गुणनफल और उनके लघुतम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तकों का गुणनफल बराबर होता है, यानी कि px इंटू qx बराबर इन दोनों का LCM गुणा इन दोनों का HCF। अब हमने लिख दिया px गुणा qx बराबर LCM, तो आपको दे रखा है x³ - 7x + 6 और HCF भी आपको दे रखा है x-1 प्रश्न में। ये मैंने लिख के इसको नंबर 1 नाम दे दिया, या कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे इन दोनों के माध्यम से, किसको, px को और qx को। आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो पद बनेगा px इंटू qx, ये जो व्यंजक बनेगा उसमें अधिकतम घात x की 4 आएगी। ये देखो x³ है और यहाँ x आ रहा तो घात 4 आएगी, और इसको हमें दो व्यंजकों में बांटना है जो दोनों की द्विघाती हों। अब आप देखें कि LCM आपको दिया है x³ - 7x + 6 और HCF दिया आपको x-1 प्रश्नानुसार। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि x³ - 7x + 6 के फैक्टर्स करेंगे, यानी कि इसके करेंगे गुणनखंड, और ये करेंगे शेषफल प्रमेय के द्वारा जो आप कक्षा 9वीं में पढ़ चुके हैं, क्लास 9th के अंदर पढ़ चुके हैं आप। वो क्या है, देखिए आप, मैंने लिख दिया इसको px बराबर x³ - 7x + 6। शेषफल प्रमेय से गुणनखंड करने के लिए जो अचर पद है 6, इसके फैक्टर्स देखे जाते हैं। तो 6 को हम कह सकते हैं 1 × 2 × 3, यानी हम x के स्थान पर +1 - 1 + 2 - 2 + 3 - 3 रखकर देखेंगे कि क्या रखने से इसका मान 0 आता है। तो मैंने x का मान 1 रखा और देखिए संयोग से 1 रखते ही इसका मान 0 आ गया। मैंने x को 1 रखा ना, तो p₁ कितना आ गया, 1 रखा यहाँ पे, 1³ - 7 × 1 + 6, तो हल करेंगे तो ये 7 - 7 0 हो गया, यानी कि x बराबर 1 रखने से इस व्यंजक का मान 0 आ गया, यानी कि p₁ = 0। इसका मतलब x - 1 इस व्यंजक का 1 गुणनखंड है। ये कक्षा 9वीं की बात है, यानी अगर किसी व्यंजक का 1 गुणनखंड x - 1 है तो वो कॉमन आएगा, और जब उसको 0 करेंगे तो x-1 = 0 होगा, तो x का मान 1 आएगा। ये शेषफल प्रमेय की बात है।
यानी हम कह सकते हैं कि x माइनस एक पी एक्स को विभाजित करेगा, यानी कि पी एक्स में x माइनस वन से भाग लगा सकते हैं क्योंकि ये गुणनखंड है पी एक्स का। अब हम ये जो एक्स क्यूब माइनस सात एक्स प्लस छः जो है ना पी एक्स, इसके अंदर x माइनस एक का भाग लगाएंगे। अब आपको पता ही है भाग लगाने के अंदर जिसमें भाग लगाया जाता है और जिसका भाग लगाया जाता है उन दोनों व्यंजकों को हम x के अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ देखें अवरोही क्रम घात तीन है, इसके बाद घात दो होनी चाहिए, तो इसमें तो कहीं है ही नहीं दो घात, तो हमने जीरो एक्स स्क्वायर लिख दिया अपनी ओर से कि जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो ही होता है, माइनस सात एक्स प्लस छः, और भाग लगाया x माइनस एक का। अब भाग लगाना आपको मेरे ख्याल से अच्छे तरह से आता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ हम क्या करेंगे। प्रथम पद एक्स क्यूब में एक्स का भाग लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, ये मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब इस एक्स स्क्वायर का गुणा इन दोनों से करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब लिखेंगे और जीरो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का। अब आप देखेंगे जब घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो गया, ये कट जाएगा, ये जीरो प्लस और प्लस का वन तो वन बचेगा ना एक्स स्क्वायर, और वो माइनस सात एक्स छः को नीचे ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे, तो माइनस सात एक्स प्लस छः हो गया ये। अब वापस हम एक्स स्क्वायर के अंदर एक्स का भाग लगाएंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग लगाया तो क्या आ गया, एक्स आ गया प्लस एक्स, तो हमने यहाँ प्लस एक्स लिख दिया। इस प्लस एक्स का वापस गुणा करेंगे इन दोनों से तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस वन माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब वापस हमने जब घटाया इसको तो ये साइन बदल दिया, ये प्लस था एक्चुअली गुणा करने के बाद और वो माइनस था, तो प्लस का माइनस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, ये कट गए, माइनस सात एक्स प्लस एक्स हो गया माइनस छः एक्स, और वो प्लस छः आपने नीचे इसको ट्रांसफर कर दिया। अब देखिए जब तक भाग लगाएंगे मतलब तब तक भाग लगाया जाता जब तक कि घात जो है ना शेषफल की वो जिससे भाग लगाया उससे कम ना हो जाए। अभी तक तो बराबर है, यहाँ भी देखो एक्स की घात एक है और जो शेषफल है यहाँ भी एक्स की घात एक है, तभी एक बार भाग और देना पड़ेगा। तो माइनस छः एक्स को एक्स से भाग लगाया प्रथम पद से, माइनस छः एक्स को भाग लगाया एक्स से, तो माइनस छः एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट गया माइनस छः आया, ये लिख दिया माइनस छः। वापस माइनस छः को गुणा किया इन दोनों से तो आ गया माइनस छः एक्स प्लस छः। अब ऊपर भी माइनस छः एक्स प्लस छः था, साइन चेंज किया प्लस माइनस हो गया, दोनों कट गए, शेषफल जीरो आ गया। इसका मतलब इसके हो गए गुणनखंड क्या, ये देखिएगा, ये हो गए इसके एक्स क्यूब माइनस सात एक्स प्लस छः बराबर क्या था इसके अंदर हमारा भागफल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस छः, भाजक क्या था एक्स माइनस वन, यानी ये था कोशेंट, ये था डिवाइजर, और रिमाइंडर क्या था जीरो। तो आप जानते हैं यूक्लिड थ्योरम के हिसाब से कि भाज्य बराबर भागफल इंटू भाजक प्लस शेषफल, और शेषफल तो जीरो है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, लिख दिया एक्स क्यूब माइनस सात एक्स प्लस छः बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स इंटू एक्स माइनस वन, ये लिख दिया हमने। अब ये एक द्विघाती व्यंजक है और तीन पदों वाला है, तो हम त्रिपदीय व्यंजकों की भांति इसके करेंगे गुणनखंड जो मैंने बॉक्स में किया हुआ है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस छः, एक्स के दो टुकड़े करेंगे मध्य पद के, तीन एक्स माइनस दो एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि तीन माइनस दो एक होता है, तीन इंटू माइनस दो माइनस छः होता है जो कि तीसरे और प्रथम पद के अंदर आ रहा है। तो इसके जब फैक्टर्स करेंगे तो यहाँ एक्स कॉमन आएगा एक्स प्लस तीन, माइनस दो कॉमन आएगा ब्रैकेट में एक्स प्लस तीन, और एक्स प्लस तीन हम कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस दो। अब त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड पर मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, पिछले मेरे वीडियो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको सारे वीडियोज मेरे प्राप्त हो जाएंगे। आर पी व्यास क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर आप इस चैप्टर की और वीडियो प्राप्त कर सकते हैं अच्छे तरह से समझने के लिए कि किस प्रकार से अपन त्रिपदीय व्यंजकों के गुणनखंड करते हैं डिटेल के अंदर। तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स जो है इसके दो फैक्टर्स कर दिए, एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस दो, और ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, तो क्या हो गया, ये जो एक्स क्यूब माइनस सात एक्स प्लस छः का मान कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस छः की जगह लिख देंगे एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस दो, एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस दो, और एक्स माइनस वन तो वहाँ था ही पहले से, लिख दिया एक्स माइनस वन। अब हमने ये कह दिया देखिए कि एक्स क्यूब माइनस सात एक्स प्लस छः बराबर एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस दो इंटू एक्स माइनस एक। अब जो हमने आपको बताया था ये संबंध एक पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस सात एक्स प्लस छः इंटू एक्स माइनस एक,
इसमें इसकी जगह पर वो जो तीन वर्णखंड है कौन से, एक्स प्लस तीन, एक्स माइनस दो और एक्स माइनस एक लिख देंगे तो क्या बन जाएगा, पी एक्स गुणा क्यू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस दो इंटू एक्स माइनस एक और इंटू एक्स माइनस एक, हमने संबंध एक में लिखा है। ये जो तीन दिख रहे हैं आपको एक्स प्लस तीन, एक्स माइनस दो, एक्स माइनस एक, ये तो वही है जो मैंने अभी निकाले थे। और ये जो संबंध एक में आपको एक्स्ट्रा दिख रहा था ना एक्स माइनस वन, ये वाला, ये एक्स माइनस वन यहाँ पर ये वाला है। इस तरह से इसके अंदर पी एक्स इंटू क्यू एक्स में ये चार गुणनखंड आ गए। अब चार में से आपको दो अलग करने हैं, दो अलग करने हैं, लेकिन आपसे कहा गया है कि एस सी एफ एक्स माइनस एक है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक्स माइनस एक है, यानी हम जो दो अलग अलग व्यंजक बनाएंगे द्विघातीय उन दोनों में एक्स माइनस वन आना ज़रूरी है क्योंकि वो कॉमन फैक्टर है प्रश्न के अनुसार। तो इसका मतलब ये जो दो हैं एक्स माइनस वन, दो बार आ गया ना एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, तो एक एक्स माइनस वन तो हम रखेंगे इसके साथ और एक रखेंगे इसके साथ। तो देखिए मैंने बात लिखी हुई है, परंतु x माइनस वन तो पी एक्स व क्यू एक्स का एस सी एफ है, अतः यह दोनों में ही आएगा। शेष बचे दो गुणनखंडों में से एक पी एक्स में और दूसरा क्यू एक्स में आएगा, दोनों द्विघाती व्यंजक इसलिए। अर्थात पी एक्स कितना हो गया x माइनस वन, तो एक कॉमन फैक्टर आएगा ही आएगा इंटू एक्स प्लस तीन, और क्यू एक्स क्या हो गया x माइनस वन तो आएगा ही कॉमन फैक्टर है और x माइनस टू। अब हमने इनको आपस में गुणा कर दिया, जब मैं x माइनस वन को गुणा करूँगा x प्लस तीन से तो एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स माइनस तीन आएगा, और जब मैं x माइनस वन को गुणा करूँगा x माइनस दो से तो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो आएगा। यही हमारा उत्तर है। तो ये मैंने प्रश्न किया अभी, वो था प्रश्न संख्या 27 विविध प्रश्नावली तीन का। अब देखिए बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, एक जो क्वेश्चन और पूछा है महेश जी जयपाल ने, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत शॉर्ट में कराऊंगा। आप देखिए ध्यान से क्वेश्चन 5 3.6, दो द्विघाती व्यंजकों का एस सी एफ व एल सी एम क्रमशः x माइनस पाँच व एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 है। इसमें एस सी एफ पहले लिख दिया है, तो दोनों व्यंजकों को ज्ञात कीजिए। बिल्कुल पहले की तरह हम एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 के करेंगे फैक्टर्स शेषफल प्रमेय से। तो देखिएगा इसमें 30 आ रहा है और 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 3 6, 6 पंजे 30, तो हम 1 2 3 5 प्लस के साथ और माइनस साथ रखकर प्रयास करेंगे कि किसके रखने से जीरो बनता है। तो जैसे ही हमने रखा x का मान माइनस 2, इस पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 में जैसे रखा x का मान माइनस 2 तो ये जीरो आ गया, क्योंकि माइनस 2 का क्यूब कितना होता है माइनस 8, वो पहले से माइनस 30 है तो माइनस 38, और माइनस 19 इंटू माइनस 2 प्लस 38 होता है, तो 38 माइनस 38 जीरो। अब चूंकि x का मान माइनस 2 रखने से पी एक्स का मान शून्य आया है, अर्थात x प्लस 2 पी एक्स का एक गुणनखंड होगा, और अगर ये गुणनखंड है तो x प्लस 2 का भाग जाएगा किसमें, पी एक्स में, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 में। और इस तरह से मैंने एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 के अंदर एक्स प्लस 2 का भाग लगाया, यहाँ पर मैंने 0x स्क्वायर लिख दिया क्योंकि एक्स स्क्वायर का पद इसमें था नहीं, और पहले की तरह जब भाग लगाएंगे तो भागफल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, मुझे इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। और अब देखिएगा हमने एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के फैक्टर्स किए तो आ गए एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, अर्थात पी एक्स इंटू क्यू एक्स बराबर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5। देखिएगा मैं फिर बताऊँ आपको कि ये जो था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसके हमने किए थे गुणनखंड तो आए थे x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 3, और पी एक्स जो था पी एक्स वो हमने माना था एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30 को, तो पी एक्स क्या हो गया, पी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इंटू एक्स प्लस 2, और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 का गुणनखंड है x माइनस 5 और x प्लस 3, तो उसको हमने गुणा कर दिया था बाद में किससे, x प्लस 2 से। तो इस तरह से वो पी एक्स और क्यू एक्स का जो गुणा आया वो ये चार अलग अलग जो पद हैं उनका गुणा हो गया। फिर प्रश्नानुसार कॉमन क्या है, एस सी एफ क्या है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 दोनों में आना जरूरी है,
तो एक एक्स माइनस पाँच तो इसके साथ लिखा जाएगा और एक एक्स माइनस पाँच इसके साथ लिखा जाएगा। तो पी एक्स कितना हो गया एक्स प्लस दो इंटू एक्स माइनस पाँच, और क्यू एक्स कितना हो गया एक्स प्लस तीन इंटू एक्स माइनस पाँच। गुणा करेंगे तो पी एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस, और क्यू एक्स आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पंद्रह। अर्थात अभीष्ट द्विघाती व्यंजक है, द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन विल बी एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स माइनस दस और एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पंद्रह। आपको मुझे पूरी आशा है ये दोनों प्रश्न समझ में आ गए होंगे, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको मैक्सिमम लाइक करें, शेयर करें, और अधिकतम लोगों के साथ इसको शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने मेरे चैनल आर पी व्यास क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, आपको बहुत लाभ होगा। और आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे जितने संभव वीडियो तब तक मैंने बनाए हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई भी समस्या हो आप मुझे इन्फॉर्म कर देंगे, तो हो सकता है मैं अगले वीडियोज़ में आप उनको शामिल कर लूँ, जैसे मैंने महेश जी जयपाल का ये वीडियो शामिल उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने वीडियो बनाया आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।